बाबाज रिकमेंडेशंस के इस वीडियो में बाबा लेकर आया है टॉप 3 डिटेक्टिव थ्रिलर फिल्म्स। अगर आपको सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस लिस्ट की पहली फिल्म है ब्रैड पिट और मॉर्गन फ्रीमैन की 7 जून 1995 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज है 83%। मॉर्गन फ्रीमैन है एक ओल्ड डिटेक्टिव जो रिटायरमेंट के करीब है। उनके पार्टनर बनते हैं ब्रैड पिट एक सीरियल किलर केस में। एक सीरियल किलर है जो सीरीज ऑफ मर्डर्स हो रहे हैं उस सिटी में बेस्ड ऑन 7 डेडली सिंस, बोले तो ग्रीड, एनवी, प्राइड, लस्ट वगैरह वगैरह। There are 7 deadly sins: gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. देखो कहानी के बारे में ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा, पर इतना बता देता हूँ कि ये दोनों डिटेक्टिव एक के बाद एक मर्डर केस सॉल्व करते जा रहे हैं और उनको पता चल गया है कि ऐसे 7 डेडली सिंस के बारे में ये सीरियल किलर जो है वो मर्डर्स किए जा रहे हैं। No fingerprints and no witnesses of any kind. अब वो कैसे एक एक केस के क्लूज ढूंढते हैं, किसी को सस्पेक्ट बनाते हैं, कैसे वो पकड़ा जाता है, ये पूरी कहानी इसके ऊपर है। मॉर्गन फ्रीमैन और ब्रैड पिट की पहले आपस में ज्यादा बनती नहीं, पर धीरे धीरे दोनों की बनने लगती है और बहुत अच्छे पार्टनरशिप में वो दोनों केसेस सॉल्व करते हैं। इस फिल्म के एंड में एक ट्विस्ट है जिसको वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग और अनफॉरगेटेबल ट्विस्ट माना जाता है इन सिनेमैटिक हिस्ट्री। इस फिल्म में हाउस ऑफ कार्ड्स के केविन स्पेसी आपको एक अलग किरदार में दिखेंगे और इस फिल्म के डायरेक्टर है डेविड फिंचर। इन्होंने 7 के बाद फाइट क्लब, जोडियाक, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, द सोशल नेटवर्क और गॉन गर्ल जैसे कमाल की थ्रिलर फिल्में भी बनाई हैं। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। Have you ever seen anything like this? No. 7. इस लिस्ट की सेकंड फिल्म है एंजेलिना जोली और डेंजल वॉशिंगटन की द बोन कलेक्टर। ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी ऐसी है कि न्यूयॉर्क सिटी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं डेंजल वॉशिंगटन, लेकिन उनके साथ एक एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो बेड रिटन हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं नेक के नीचे से, मतलब सिर्फ नेक, चेहरा और एक फिंगर मूव कर पाते हैं वो। एंजेलिना जोली एक न्यूली रिक्रूटेड पेट्रोल ऑफिसर होती है, लेकिन एक दिन उन्हें रेलवे ट्रैक पे एक बॉडी मिलती है। फिर वो ट्रेन रोक के अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करके बॉडी के आसपास के क्लूज का फोटोज वीडियो निकाल के ये प्रूव करती है कि ये सब कुछ स्टेज था, एविडेंस को वैसा रखा गया था, ये एक्चुअली वैसा सिचुएशन एविडेंस नहीं है। इससे इंप्रेस होके एक्सपर्ट डेंजल वॉशिंगटन एंजेलिना जोली को अपने टीम में लेते हैं, अपने पार्टनर बनाते हैं और उनको गाइड करते हैं आगे के सारे केसेस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने में। जो सीरियल किलर है वो कभी टैक्सी ड्राइवर बन के कपल को किडनैप करता है। कभी किसी को एक स्टीम जंक्शन में जिंदा पाइप से बांध के चला जाता है। पुलिस को क्लूज मिलते हैं कि इतने बजे ये कुछ होगा, वो पुलिस वहाँ पहुँचती है लेकिन वो स्टीम से वो इंसान मर जाता है। कभी किसी को कहीं बांध के ओपन घाव करके चला जाता है और उससे अट्रैक्ट होते हैं आसपास के सारे चूहे और वो उनका मर्डर कर देते हैं। ये पूरे फिल्म में ऐसे बहुत से केसेस होते रहते हैं, बहुत से क्लूज मिलते रहते हैं पुलिस को, कैसे डेंजल वॉशिंगटन गाइड करते हैं एंजेलिना जोली को, कैसे एंजेलिना जोली एक जूनियर ऑफिसर है तो उनके सीनियर्स उससे जलते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे पॉलिटिक्स होती है, कैसे को क्लू मिलता है कि ये एक नॉवेल, जो नॉवेल का नाम है द बोन कलेक्टर, उससे इंस्पायर्ड हो रहा है किलर और उस तरह से किलिंग्स कर रहे हैं, कैसे वो लोग अगले किलिंग, होने वाले किलिंग में वहां पहले पहुंच जाते हैं वगैरह वगैरह। और फिल्म के एंड में सस्पेंस तब खुलता है जब किलर डेंजल वॉशिंगटन के घर पे आके उसी को मारने जाता है और वो कैसे अपने आप को बचाता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। इस फिल्म में आपको मॉडर्न फैमिली के जे प्रिचर्ड जो है एड ओ'नेल भी आपको दिखेंगे एक पुलिस के किरदार में। इस लिस्ट की तीसरी और आखिरी फिल्म है किस किस बैंग बैंग। ये 2005 में रिलीज हुई थी और एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। हाँ भाई, सिर्फ आयरन मैन थोड़ी किया है उन्होंने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज है 86%। ये थोड़ी अलग सी फिल्म है, टिपिकल सस्पेंस थ्रिलर टाइप फिल्म नहीं है, ये थोड़ी न्यू नोयर ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म है। मतलब की थोड़ा सटायर, थोड़ा सार्केस्टिक कॉमेंट्स पास करते रहते हैं इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर और थोड़ी सी कॉमेडी स्टाइल में थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है ये। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक चोर होते हैं, उनके पीछे पुलिस होती है, तो वो भाग भाग के एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पे एक ऑडिशन चल रहा है किसी फिल्म का और उसमें वो प्रिटेंड करते हैं कि वो एक्टर हैं और वो स्क्रिप्ट रीड करते हैं और वो उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। Harry was a small time crook. Oh boy. Till he opened the door. Oh no, no, we're not ready for your audition. Just take care. To a really big break. Quit it. See, this is what I'm talking about. Old school method. हॉलीवुड के एक फिल्म के लिए एज हीरो सिलेक्ट हो गए तो वो एक पार्टी में जाते हैं एलए में और वहाँ पे उनको एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस भी मिलती है जो उनकी बचपन की फ्रेंड होती है। उन दोनों का इसमें थोड़ा सा लव एंगल और क्योंकि वो इस फिल्म में एक डिटेक्टिव का रोल कर रहे हैं तो एक रियल डिटेक्टिव के साथ ट्रेनिंग लेते हैं। But he'll need a real cop. Detective lessons tomorrow for your acting. Oh, are you the consultant? और वो रियल डिटेक्टिव गे होते हैं and they both come across murders and dead bodies and crime scenes वगैरह वगैरह। बचपन की
बॉयफ्रेंड और स्ट्रगलिंग एक्टर जो हारमनी है उनकी बहन की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें ये दोनों फंस जाते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के घर पे, वॉशरूम में उसकी डेड बॉडी आ जाती है। और कॉमेडी ऑफ एरर्स ये भी है कि हारमनी को रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बताया था कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, तो उसको लगता है कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव है, ये मेरी मदद करेगा मेरी बहन का केस सॉल्व करने में। ये सब के बावजूद भी कैसे वो लोग पिक्चर के एंड तक सारी चीजों से बच बच के एंड में केस को कैसे सॉल्व कर देते हैं, ये कहानी इसकी है। इस फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक नरेटर भी है, मतलब वो ऑडियंस से बातें कर रहे हैं फिल्म और सीन्स के बारे में भी, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। ये है तो एक डिटेक्टिव फिल्म, पर एक फन वॉच टाइप की डिटेक्टिव फिल्म है। Yes, I think you're stupid. Kiss Kiss Bang Bang। हाँ हाँ, हिंदी फिल्में देखने वालों, एक फोर्थ बोनस फिल्म भी रेकमेंड करता हूँ जो एक हिंदी फिल्म है डिटेक्टिव जॉनर में। पिक्चर का नाम है अगली। ये फिल्म अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की थी, 2013 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9। इस मूवी पे तो पूरा एक वीडियो बनाया है मैंने मेरे हिडन जेम सेगमेंट में, अब यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर बाबाज रिकमेंडेशन का ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मैंने और भी रिकमेंडेशन किए हैं, जैसे टॉप 3 थ्रिलर फिल्म्स, टॉप 3 AI जॉनर फिल्म्स और टॉप 3 माइंड बेंडिंग फिल्म्स। आप ये प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं, बिकॉज बाबा इज अ बिंज वॉचिंग काउच पोटैटो, रिकमेंड्स reviews, reacts, recaps and revisits on this channel, jiska naam hai Cinephile Baba.